हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हेलो सर, हेलो आई सर, एम आई एम गुड। व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। फाइन बेटा, थैंक यू। लेट अस स्टार्ट द सेशन फॉर टुडे। इन मैथ सेशन इन आवर लास्ट क्लास वी वर स्टडिंग द एक्सरसाइज, वी वर सॉल्विंग द एक्सरसाइज 1.1, इजंट इट? यस सर, ओके, यस लेट सर, मी फिक्स द कैमरा। यस एक्चुअली इट इज यस सर। Yes, now it's visible. Okay. In our last class, we were solving the exercise 1.1, that is based on the quiz topic, that is based on the integers. And this exercise basically is based on the properties of integers. इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज है उसको सर ने भी शुरू में पढ़ाया था, मैंने भी एक्सरसाइज सॉल्व कराने के पहले आपको एक बार रिवाइज कराया, फिर ये सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अभी तक के फोर तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। के फोर तक किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो बताएं। नो सर, नो ये सर, आगे नो बढ़ते हैं फिर। सर। Also, we were talking about the S1. S1, let me know that ki whether we have completed the S1 or not. S1 भी तो शायद हुआ था। यस सर, अच्छा, सर आपने बताया था। S1 का सारा कंप्लीट करा दिया गया था? यस सर, S1 का सारा कंप्लीट हुआ था या एक दो कोई बाकी है? सर आपने एक दो बताया था, सर मैंने सारा किया चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपने किया है। बाकी बच्चे बताएं, S1 में कोई क्वेश्चन समझना है या फिर मैं आगे बढ़ूं S2 पे? अंश, अविरल, बाकी बच्चे बताइए। प्रिया, है सर। सर ए और बी वाला बता दीजिए। ए और बी। ए बी इंग्लिश में लिखा है इसीलिए नहीं समझ में आया, ये मैंने बताया तो था। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, फिर से बताता हूँ। डू इंटीजर सेटिस्फाई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डू इंटीजर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन में जो इंटीजर्स हैं क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं या नहीं? नो सर, नो सर, बताओ नो सर, सर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई मुझे एग्जांपल दे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? हु कैन टेल? महक, 9 3 + 9 इज इक्वल टू 9 + 3। फिर से बोलिए। अबरल, सर 9 + 3 एंड 3 + 9 इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे बोलिए ना, 9 9 9 + 3 इज इक्वल टू 3 + 9, यानी 9 + 3 का वही सेम आंसर है जो यहाँ पे 3 + 9 का है। यानी कोई भी इंटीजर हो, a + b इज इक्वल टू b + a, तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन? बट व्हेनेवर वी आर एडिशन टॉकिंग अबाउट द सब्ट्रैक्शन, तो द आंसर इज नो, बिकॉज आपको ये समझाया गया था, प्रॉपर्टीज ही पढ़ाते समय पढ़ाया समझाया गया था। थ्री प्लस नाइन इक्वल टू इतना, 9 + 3 दोनों आपस में कम्यूटेटिव थे, बताया गया था ना? यस यस, सर, यस सर, yes. और कम्यूटेटिव के अलावा एक और आपको बताया गया था, एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में भी समझाया गया था। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा यस गया सर, सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, आप आंसर क्या लिखेंगे? नो। डू के जहां पे क्या लिखेंगे? नो। वैसे अंश पांडे, अगर आपने मैथ की क्लास ली होती तो ये पूरा मैंने लिख करके बताया था पिछली क्लास में, ऐसे ही काट के मैंने पिछली क्लास में भी बताया था। आपने ना तो रिकॉर्डिंग देखा इसीलिए आप दोबारा पूछ रहे हैं। रिकॉर्डिंग देखा करें जिसने क्लास ना लिया करें, फर्जी में क्लास ना खराब करें। अभी आपका पहला चैप्टर चल रहा है, आपका ही सिलेबस पीछे होगा, आप रिकॉर्डिंग देख लिया करें।
एक एक क्वेश्चन पूरा करके पूरा सॉल्व भी करो, और आप और जब दो दो बार सॉल्व करना पड़ेगा तब कैसे काम चलेगा. नो इंटीजर सेटिस्फाई, नो नो इंटीजर्स डज नॉट, इंटीजर्स डू नॉट, कई सारे इंटीजर्स हैं. नो इंटीजर्स डू नॉट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सबट्रैक्शन, फुल स्टॉप. इतना हो जाएगा. गिव एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप दीजिए, एग्जाम्पल आप दे दीजिए. माइनस थ्री प्लस नाइन इज इक्वल टू कितना होगा बताइए जल्दी से. बताना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा, जिसको आता है बताइए. माइनस सिक्स. और अगर यही आपका ए बी की जगह चेंज कर दिया जाए, यहाँ पे नाइन इधर किया जाए, प्लस अच्छा ये आपका सब्ट्रैक्शन है, सॉरी एडिशन में तो फॉलो करेगा, एडिशन में भी आपका यहाँ पे भी कर देंगे तो भी सिक्स आएगा, लेकिन अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस के बजाय अगर माइनस लगा दिया जाए तो क्या होगा जरा देखते हैं. तो माइनस थ्री माइनस नाइन इक्वल टू माइनस ट्वेल्व. माइनस ट्वेल्व यानी, लेकिन यहाँ पे जो ये माइनस थ्री है वो बी की जगह चला गया, नाइन जो है यहाँ पे आ गया, तो नाइन माइनस थ्री, नाइन माइनस माइनस थ्री इक्वल टू कितना होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या कितना आंसर आएगा, प्लस ट्वेल्व, प्लस ट्वेल्व आ जाएगा. तो एक माइनस ट्वेल्व आ रहा है, एक प्लस ट्वेल्व आ रहा है, यानी दोनों का आंसर तो डिफर कर रहा है. दैट मीन्स इंटीजर्स डज, इंटीजर्स डू नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो यही एग्जाम्पल है. इसी तरीके से आप कोई भी नंबर, दो ऐसे इंटीजर्स लीजिए, दो अलग अलग इंटीजर्स ले लीजिए, एक ए मानिए एक बी, उसको एक बार ए से बी को माइनस करिए, एक बार बी में से ए माइनस करें, दोनों का आंसर अगर अलग अलग आता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करते. ओके यस सर, यस सर. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, ये बताया गया था, ये भी बताया गया था, केवल आप क्या बोले, इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता. सर जीरो, जीरो, जीरो इज द आंसर, जीरो नहीं है, कोई जोड़ घटाना नहीं है. एडिटिव आइडेंटिटी वो होते हैं, ये समझाया गया था कि ऐसा ऐसा डिजिट या ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर में जोड़ने पे उस इंटीजर पे कोई फर्क ना पड़े, यानी किसी भी इंटीजर में ऐसा कौन सा इंटीजर जोड़ा जाता है, ऐसा कौन सा एडिटिव आइडेंटिटी है जिसके जुड़ने पे कोई फर्क ना पड़ता हो उस इंटीजर पे. तो ऑब्वियस सी बात है जीरो, जीरो आप चाहे जिस फाइव में जीरो जोड़ोगे तो फाइव ही आएगा, यानी यही रहेगा. ए प्लस जीरो इक्वल टू कितना होगा, ए, ए की जगह पे आप कोई भी नंबर लिख दो. इसमें नेटवर्क इशू था थोड़ा सा. आगे क्वेश्चन नंबर सी की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर सी इंग्लिश में नहीं लिखा है, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए. माइनस ट्वेल्व को अगर हम यहां पे सॉल्व करें, माइनस ट्वेल्व प्लस थर्टीन प्लस इलेवन, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या चाहिए ये कौन बताएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ये माइनस ट्वेल्व को माइनस ट्वेल्व ही लिखा रहने देंगे, प्लस को प्लस ही लगा रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्लस थर्टीन प्लस इलेवन, थर्टीन प्लस इलेवन इक्वल टू हाउ मच, ट्वेंटी फोर, यस सर, ट्वेंटी फोर ब्रैकेट में लिखे, या तो फिर सीधा जब कुछ भी नहीं है तो सीधा ट्वेंटी फोर ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर. अब इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस ट्वेल्व. आगे प्लस लगाओ या ना लगाओ क्या फर्क पड़ता है, नहीं लगाओगे तो भी तो प्लस ही माना जाएगा ना, यस सर. क्वेश्चन नंबर सी हो गया, यस सर. आया आया है आपका कोई और, सर यही आया है. क्वेश्चन नंबर डी की बातें करते हैं, माइनस सेवनटीन प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस सेवनटीन, यानी ये आपका ए है ये बी है, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये दोनों
इक्वल बताया जा रहा है, ये दोनों क्या बताया जा रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो ये कौन से प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं जरा बताइए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वही पूछा ही गया, व्हिच प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स की कौन सी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय द इक्वलिटी गिवन अबव, जो ऊपर जो आपका इक्वलिटी दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है, ये आखिर कौन सी इंटीजर्स की कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख ले जाएंगे ना। यस सर। एस टू, यस सर, एस टू, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दो इंटीजर हैं, अब वो इंटीजर प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या होता है, इफ ए बी आर टू इंटीजर्स, यहाँ पे ए माइनस बी, ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए, यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले बताया गया इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए और बी दोनों इंटीजर हैं, इज, इज पहले लग गया यानी क्वेश्चन, यहां देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इज ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्या इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना होगा, यस या नो? नो सर, नो सर, नो सर, ये तो एक तरीके से ए माइनस बी और b माइनस ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये फॉलो नहीं करता सबट्रैक्शन के अंदर, तो ये कहां पे, तो आप क्या लिखेंगे, नो नो, a माइनस बी इसके जहां पे इज नॉट इक्वल टू, नहीं आप ऐसे ही कर दीजिएगा, नो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, डू नॉट फॉलो द, नहीं नहीं मतलब आपको यहीं यहां पे आप यहीं पे बोल दीजिएगा, नो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, आप सीधा सीधा आंसर लिखिएगा, नो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू, आप इक्वल लगा के ऐसे आप क्रॉस कर देंगे तो भी मान जाएगा इज नॉट इक्वल टू, आप चाहें तो इंग्लिश में लिख दें इज नॉट इक्वल टू, नो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, बिकॉज क्या लिखेंगे, बिकॉज this equation cannot follow the commutative property of integers, क्योंकि ये equation जो है commutative property integers का नहीं follow कर सकते, फिलहाल आप सीधा सीधा answer लिख दें, no a minus b is not equal to b minus a, that is also the complete your answer, जितना पूछा गया उतना आपका answer clear हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतना ही नहीं करना, yes no में answer नहीं देना, यहाँ पे एक और है, Give an example to support your answer. आखिर आपके answer, आप आखिर ये a minus b, b minus a के बराबर नहीं है, आप ऐसे तो बोलेंगे, तो इसका example दीजिए, इसको prove करिए, तो इसका example आपको a बराबर और b बराबर कोई भी value रख करके चेक कर लीजिए, और अगर वो दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो प्रूव हो जाएगा, यही तो करना पड़ेगा। Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. तो लेट ए इज इक्वल टू फाइव, बी इज इक्वल टू टू, फोर फोर कर दे रहे हैं, सो ए माइनस बी इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू कितना हुआ, वन आंसर आएगा, यही तो आएगा, यस सर, एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू फोर माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, माइनस वन आंसर आएगा, माइनस वन, हेंस अब क्या यहाँ पे क्या लिखेंगे, दस या हेंस, दस इट इज प्रूव्ड दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू नॉट b माइनस ए, वन इज नॉट इज इक्वल टू माइनस वन, हो जाएगा ये, ओके यस सर,
लेट ए इक्वल टू, ए इक्वल टू आप कोई भी इंटीजर मान लो, बी इक्वल टू आप अपने मर्जी से इंटीजर मान लो, आप इसको इसी तरह मेरी तरह सॉल्व करना, बराबर आंसर नहीं आएगा, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। कर ले जाएंगे ऐसे? यस सर। हो जाएगा ना, प्रूफ भी तो हो जाएगा। यस सर। एस थ्री। यस सर। एस थ्री क्या है? आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स ए बी सी, देयर इज द थ्री स्टेटमेंट्स, आपको आइडेंटिफाई करना है दैट की व्हिच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। जरा मुझसे ये बताइए, पहला स्टेटमेंट वेदर इट इज अ ट्रू और फॉल्स, माइनस फोर प्लस इलेवन इज इक्वल टू इलेवन माइनस फोर, क्या दिक्कत है इसमें? सर सही है, बिल्कुल सही है, माइनस इलेवन इक्वल टू प्लस सेवन और इलेवन माइनस फोर इक्वल टू प्लस सेवन, तो दैट मीन्स ये तो बात वही हुआ ना, ये तो बात वही हुआ। यस सर। ये क्या है, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ए की जगह पे ए मान लिया, ए माना है माइनस फोर को, बी माना है इलेवन को, माइनस फोर प्लस इलेवन इक्वल टू इलेवन, अब ये प्लस है लेकिन ए की जगह पे क्या माइनस फोर है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इलेवन माइनस फोर ही तो हो जाएगा। यस सर। यस सर। दिख रहा है कि नहीं जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर दिख रहा है। तो ये क्या है, ये फॉल्स है या ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट है ए या बी? सर ट्रू है। पहला ट्रू है ना सर? ट्रू। यस यस सर। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, क्वेश्चन नंबर बी, जीरो प्लस, जीरो प्लस माइनस फाइव या माइनस फाइव प्लस जीरो, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? सर ट्रू। इट इज ऑल्सो ट्रू। सर ट्रू। जीरो में ये प्लस माइनस माइनस फाइव हो जाएगा, तो जीरो माइनस फाइव या फाइव या माइनस फाइव, देखो जीरो माइनस फाइव तो ज्यादा बड़ी वैल्यू ये है, तो ज्यादा में से कम को निकालेंगे तो ज्यादा वैल्यू वाला आपका साइन भी लगेगा, यानी माइनस फाइव का आंसर आएगा। यहाँ पे भी जीरो में से फाइव, यानी माइनस फाइव और जीरो दोनों आप विपरीत चिन्ह है, तो यानी बड़े में से छोटा कम करेंगे तो फाइव आंसर आएगा, और बड़ा बड़े वैल्यू वाला चिन्ह यानी फाइव जो आंसर है वो माइनस में है, इसलिए माइनस में ही आंसर आएगा। इसका भी आंसर माइनस फाइव आ रहा है, इसका भी आंसर माइनस फाइव आएगा, यही तो है। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? यस सर ट्रू है। ट्रू है। इसकी बात करें, सेवन में से फाइव माइनस करें या फाइव में से सेवन माइनस करें, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। सेवन फॉल्स। सर फॉल्स आएगा, फाइव में से सेवन माइनस करेंगे माइनस टू आएगा, जो कि ये रॉन्ग है, ये गलत है, तो दैट मीन्स इट इज अ फॉल्स। ओके? यस सर। क्वेश्चन नंबर यस एस फोर, सिंप्लीफाई माइनस इलेवन माइनस फोर्टीन प्लस सेवन प्लस या माइनस ट्वेंटी एट, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये क्वेश्चन तो अपने आप करना, ठीक है, इसका माइनस प्लस और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट यहीं पे खत्म हो जाएगा, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना, फिर सभी को पूरा सॉल्व कर ले जाओगे। कर ले जाएंगे कि नहीं? यस यस सर। यस सर। कर ही दे रहा हूं, माइनस फोर्टीन प्लस सेवन, तो इसको अगर ब्रैकेट पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो माइनस फोर्टीन प्लस सेवन इक्वल टू कितना, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस सेवन, माइनस सेवन, फिर प्लस ये ब्रैकेट में क्या है माइनस एट्टी एट, इसके बाद ये माइनस सेवन ब्रैकेट टूटेगा माइनस सेवन ही रह जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एट्टी एट हो जाएगा, तो यानी माइनस सेवन माइनस एट्टी एट कितना आंसर आएगा, नाइन्टी फाइव, माइनस नाइन्टी फाइव, माइनस माइनस यहाँ पे थोड़ा प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई थोड़ा हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, जोड़ घटाना में आपका साइन नहीं चेंज होते। ओके, माइनस नाइन्टी फाइव इज द आंसर। ए वन की बात है, अच्छा कितने क्वेश्चन है इसमें, ए वन ए टू ही है कि और भी है? बस ए वन ए टू है, दोनों सॉल्व करते हैं सर, बस ए वन ए टू। अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 3500, अ सबमरीन, ये सबमरीन क्या होता है सर? पनडुब्बी।
हाँ बिल्कुल, जहाज एक तरीके से पनडुब्बी। अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 3500 मीटर बिलो द सी लेवल। जो सी लेवल है उसके नीचे जो सबमरीन जो पनडुब्बी होती है ना, वो सामने ऊपर दिखती नहीं है, पानी के ऊपर नहीं तैरती, वो पानी के अंदर तैरती है, पानी के अंदर रहती है। तो जो सी लेवल है, सी लेवल किसको बोलते हैं, ऊपर रहता है या सी लेवल नीचे रहता है, कहाँ पे रहता है सर? ऊपर ऊपर। अरे यानी जहां पे वो सतह रहती है उसी को सी लेवल बोलते हैं, ठीक है। उस सी लेवल से कितना नीचे है, 3500 मीटर नीचे। इट कम्स अप 560 मीटर एंड देन गोज, ये ऊपर कितना आता है 560 मीटर, देन गोज डाउन अगेन बाय 1250 मीटर। इफ वी कंसिडर द सी लेवल एज जीरो, अगर जो हम सी लेवल को जीरो कंसिडर करें, तो व्हाट इज द करंट पोजीशन ऑफ द सबमरीन। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप कर ले जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। द क्वेश्चन इज अ सबमरीन इज एट अ डेप्थ ऑफ 3500 मीटर। जो सबमरीन है वो कोई समुद्र है, बना भी देते हैं समुद्र, इसका डेप्थ है, इसके नीचे कितना 2500 मीटर है नीचे है, 3500 है मीटर नीचे है। क्या करता है, इट कम्स अप बाय 560 मीटर। ये 3500 मीटर नीचे था, ऊपर की तरफ 560 मीटर आया, तो 3500 में से कम होगा ना, तो कितना? यस सर। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा जब आप आता है तो? सर 3040। कितना? सर 3040। आप क्या बता रहे हो, 3000 बचेगा? 3500 मीटर no, आपका डेप्थ में है, जब वो 560 मीटर ऊपर आता है तब कितने पे पहुंचा, किस लेवल पे पहुंचा, क्या पोजीशन है उसकी? सर 3040 मीटर। रॉन्ग बता रहे हो, गलत बता रहे हो, जो पूछ रहा हूँ वो तुम नहीं बता रहे हो, या तो तुम गूगल से छापे होगे, सीधा आंसर बता रहे हो, वो मुझे आंसर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग दैट, ये सी लेवल है, सी लेवल से 3500 मीटर नीचे आपका क्या है, सबमरीन है। ये होता क्या है, 560 मीटर केवल अभी ऊपर आया, जब ऊपर आया तो कहां पे पहुंच गया, किस पोजीशन पे पहुंच गया बताइए। 3500 मीटर से जब ऊपर 560 मीटर आएगा, तो इसमें से 560 ऊपर हो जाएगा ना, कितना होगा, 2940 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बाद में कुछ बच्चे बता रहे हैं 3500 में से 560 मीटर जब अब जाएगा तो ये कम हो जाएगा ना, तो ये 2960, ये बिलो है सी लेवल के या सी लेवल के ऊपर है, ये अभी भी सी लेवल के ऊपर है या नीचे है? लेवल से नीचे है। पहले 3500 मीटर था, अब थोड़ा सा ऊपर आया तो कहां पे पहुंच गया, 2960 मीटर बिलो देन सी लेवल। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद इट गोज अगेन डाउन बाय 2250 मीटर, ये फिर से नीचे की तरफ जाता है, डाउन की तरफ जाता है, कितना 1250। तो 2960 में 1260 माइनस करें या प्लस करें? प्लस करें, क्योंकि इतना तो डाउन है ही या और डाउन चला जा रहा है, तो यानी और कितना डाउन गया, 1250, यही तो गया 750, कितना हो गया 4210 मीटर आया ना सर। सर वहाँ 2940 है, फिर से बोलिए बेटा सर, 2940 आएगा मीटर। यस सर, फिर से बताइए क्या बोली महक सर, 3000 सर 3500 माइनस
560 सर 2940 आएगा सर, वहाँ पे 2960 लिखा है। अच्छा ये बात है, ये 560 ही तो है, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 10 माइनस 6 इक्वल टू कितना, ये अच्छा 60 लिखा है या 40 करना था, सॉरी। यस सर, यस बिल्कुल सही, 2940 आप सही है कि अभी भी गलत है? यस सर, यस सर। तो 2940 मीटर था, उसमें फिर 1250 मीटर और भी गहराई में गया, तो टोटल कितना हो गया, ये 4190 मीटर, ये पूरा गलत हो जाएगा फिर, यहाँ पे जोड़ी गलत हो जाएगा। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, 9 प्लस 2 इक्वल टू 11, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4190 आ गया ना। ये क्या है? Yes, sir. ये वो पोजीशन है जब जो सबमरीन था 3500 मीटर नीचे था, लेकिन थोड़ा सा फिर ऊपर जाता है, फिर और नीचे चला जाता है, थोड़ा सा और ऊपर 560 मीटर ऊपर जाता है, लेकिन 1250 मीटर और नीचे चला जाता है। तो फिर और नीचे जाने के बाद उस सबमरीन की पोजीशन क्या है उस सी लेवल से, तो 4900 मीटर बिलो या अप ऑफ द सी लेवल, क्या होगा? बिलो, सब बिलो, सब बिलो द सी। तो इसको कर ले जाएंगे, समझ में आया? यस सर, इसको करने के लिए आपको, इसको करने के लिए आपको करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, सब इन द डेप्थ ऑफ एट द बिगिनिंग, ऐसे लिखना पड़ेगा, एट बिगिनिंग द पोजिशन ऑफ सबमरीन इज 3500 इसको माइनस में कर देंगे तब तो अपने आप ही पता चल जाएगा ना, सी लेवल के नीचे है ये, और सिर्फ अगर इसको अगर ये माइनस ना करें प्लस है, तो यानी जो सी लेवल है उसके ऊपर है 3500 मीटर, है कि नहीं? यस सर। लेकिन अगर माइनस कर दिए तो 0 से 3500 मीटर नीचे है, यानी बिलो है, 3500 मिलो था। अब क्या हुआ, एज इट गोज अप बाय 560 मीटर देन इट्स न्यू पोजीशन इज, इसका नया पोजीशन क्या होगा, 2940 इसके बाद फिर क्या होगा, एज As thereafter it goes down by 1250 meter, so minus 2940 plus होगा या minus होगा, क्योंकि और भी डाउन साइड जा रहा है वो 1250 और भी डाउन जा रहा है, और भी नीचे जा रहा है, और भी कम हो रहा है, तो प्लस होगा माइनस होगा सर? माइनस सर, माइनस सर, माइनस, प्लस नहीं, माइनस होगा, माइनस 2940 था, इसमें माइनस और हो जा रहा है कितना, 1250, तो आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 0 9 11 4, ये माइनस 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 4190, यही तो आंसर आएगा। Yes, sir. तरीके से आपको करना रहेगा। Yes, sir. The last question is, only 2 minutes is remaining, so let me clear it very quickly. There are 20 questions in a test. किसी question paper में 20 test हुए। मान लो आप ही का कोई test हो रहा है, कोई exam हो रहा है, जहाँ पे 20 test होने हैं, 20 बार exam होना है। Ram answer 15 of them correctly. 20 question आपसे पूछा जाए, जिसमें से राम की जगह अपने आप को मानो कि आपने 15 क्वेश्चन सही सही 15 क्वेश्चन के आंसर आपने सही दिया,
नहीं, 15 ऑफ देम करेक्टली एंड 5 ऑफ देम इनकरेक्टली, और उसमें से 5 कम दिया, 20 क्वेश्चन में से 15 सही और 5 गलत है. व्हाट इज हिज टोटल स्कोर, आखिर उसका टोटल स्कोर क्या है? कंडीशन सुन लीजिए, 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, जितना भी आपने आंसर दिया उसके एक नंबर मिलेगा. लेकिन अगर कोई एंड 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ये बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गलत है. What is the total? If one mark is awarded for each correct answer and one mark is awarded for each wrong answer, आखिर गलत नंबर और सही क्वेश्चन, और सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन दोनों को करने के लिए एक एक नंबर नहीं दिया जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग कुछ है कि नहीं? आपको ये बता दिए यहाँ पे awarded नहीं, यहाँ पे कम कर दिए जा रहे हैं, इसको मान लीजिए कम कर दिए जा रहे हैं, being cut. हर सही क्वेश्चन बताने पे 1 मार्क्स मिल रहा है, लेकिन हर गलत क्वेश्चन बताने पे आपका एक नंबर जो मिला है उसमें भी कम कर दिया जा रहा है, तो टोटल कितना नंबर मिलेगा इसको जरा बताइए जल्दी से. 15 क्वेश्चन मिला, 15 क्वेश्चन सही किया, तो 15 क्वेश्चन के लिए क्या कितने नंबर मिलेंगे? प्लस 15 प्लस 1 प्लस 1 सब पे मिलेगा ना, 15 हो जाएगा. और जो बाकी के क्या उस पर प्लस 5 मिलेंगे? तब पे -1 -1 जीरो नंबर तो मिलेगा नहीं, -1 -1 -1 मिलेगा. तो 5 क्वेश्चन पे -1, तो 5 -1 = जब 5 क्वेश्चन पे -1 -1 मिलेगा तो -5 हो जाएंगे कि नहीं? तो टोटल नंबर क्या होगा? यस सर. 15 क्वेश्चन के, यस 5 क्वेश्चन के, ये टोटल नंबर क्या आएगा? यस सर. 10 10 मार्क्स, 15 में से 5 सर प्लस 10 सर प्लस 10 10 इज योर आंसर बेटा. आपका प्लस 10 हो गया, आपका सेशन कंप्लीट हो चुका है, बंद होने वाला है, जून का सेशन कंप्लीट हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है. किसी को कोई भी दिक्कत समझ में आया यहाँ तक कि नहीं? यस सर. ये क्वेश्चन मॉडिफाई कर लीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे अवॉर्डेड के बजाय डिस अवॉर्डेड कर दीजिएगा, डिस अवॉर्डेड. ठीक है, अवॉर्डेड का मतलब डिस अवॉर्डेड.